अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के पनाह में होंगे। तो रोज़ की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज है 12वां रोज़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1 कुरान कंप्लीट हो गया है। उसी खुशी में मैंने ये मेहंदी लगाई हूँ, कितनी प्यारी लग रही है ना, देख सकते हम लोग। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा 1 कुरान कम्प्लीट हो गया है। तो उसी खुशी में मैंने ये मेहंदी लगाई थी और आज फिर अच्छा अच्छा बनाएंगे, तो अच्छा तो बना ही रहे हैं। सॉरी वो वीडियो थोड़े लेट आ रहे हैं क्योंकि मुझे रेगुलर वीडियो डालना था, बट कुछ जिस पे मैं एडिटिंग करती हूँ उस पर बहुत स्पेस ज़्यादा दिखा रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट आएगा। कोई नहीं, तो आज बहुत स्पेशल चीज़ बनाने वाली हूँ मैं। तो क्या बनाने वाली हूँ, तो चलो मेरे साथ बनाएंगे हमारे किचन में, हमारे प्यारे से किचन में मैं लेके चलती हूँ आपको। तो बनाएंगे हम, यहाँ पे रखा है चिकन, तो चिकन के बनाएंगे हम समोसे और क्या बनाएंगे, और हो गया नेक्स्ट डे। सॉरी मैं उस दिन कुछ नहीं बना पाई। और ये मौसम देखो, अब आज पूरा फॉग वाला है, ऐसे लग रहा है बारिश होने वाली है। पूरा फॉग, एकदम ठंडा मौसम हो चुका था। क्लाइमेट हो रखा है, मैं अभी नमाज पढ़ी जस्ट, और ये देखो चल गया, रोटी में हाथ चले गया मेरा। तो कोई नहीं, और बस अभी स्टार्ट करी हूँ सुबह से, तो देखते हैं क्या होगा क्या बनेगा। तो अभी तो बज रहे हैं 7:30, तो अभी जाएंगे हम सोने, सो के उठेंगे फिर आपसे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। रुको, पर्दे लगाना तो भूल गई। तो गाइस मुझे याद आया कि मुझे चने भिगने डालने थे, तो अभी हम जाते हैं किचन में जाते फिर हमारे किचन में आ गए। अभी हम चने भिगा दी चने और दाल, अभी जा रहे हैं हम सोने। तो बन के देंगे पहले लाइट, बहुत अंधेरा है, दरवाज़ा भी लगा देंगे क्या। अंधेरा करके सोने में बहुत मज़ा आता है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। नहीं अभी फिलहाल आ गया, अभी और है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की पनाह में होंगे। तो रोज़ की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज है 13वां रोज़ा और 13वें रोज़े में इतने जल्दी मेरा 1 कुरान भी हो गया है फटाफट से, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल मैंने इस खुशी में कुछ मीठा नहीं बना पाई, मैंने सोची थी मैं कुछ बनाऊंगी बट मैंने नहीं बनाई, तो मैं आज बनाने वाली हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आपके साथ ब्रेड का हलवा, जो कि बहुत 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 ईजीली बन जाता है। जैसे किसी के पास वैसे अलग अलग टाइप में भी बनता है, बट ये बहुत सिंपल रेसिपी है। जैसे कि आपके पास कंडेंस मिल्क और खवा और मिल्क पाउडर वगैरह नहीं अवेलेबल नहीं रहेगा, तो आप झटपट भी ऐसे बना सकते हो। जैसे कि कोई गांव में रहता है, उनके पास उतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती है, और उनको खाने का मन तो होएगा ही ना, ऑब्वियसली यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो खाने का मन तो होएगा ही ना। तो इसलिए मैं एक सिंपल सा ब्रेड का हलवा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो और इस आवाज़ को ना इग्नोर करो, क्योंकि यहाँ पे काम चालू है इसलिए आवाज़ को इग्नोर करो। तो चलते और मैं उसके साथ बनाने वाली हूँ क्या बनाने वाली हूँ मैं भूल जाती हूँ रोज़ में कुछ याद नहीं रहता एंड देन मैं उसके साथ बनाने वाली हूँ चिकन चीज़ टोफू
उसका नाम नहीं पता मुझे, बट खाने में शायद वो बहुत अच्छी लगने वाली है, तो हम बनाएंगे और हम खुद उसका नाम रखेंगे। तो चलते हैं अभी हमारे किचन में, प्यारे से किचन में। तो आज बहुत रोज़ा लग रहा है मुझे, तो चलो चलो जल्दी चलते हैं हमारे किचन में। हाँ, तो जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन की, इसका नाम है चिकन चीज़ क्रोकीटिस। ऐसा इतना लंबा नाम है, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में देंगे CTTS, इसका नाम है। तो जल्दी जल्दी से चलते हैं हमारे किचन में और हमारी इफ्तारी की तैयारी करते हैं। जो दो डिश मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो एक ब्रेड हलवा और चिकन CTTS। तो ये हम बनाएंगे और देन माशाल्लाह माशाल्लाह लग रही है। तो चलो फटाफट चलते हैं हमारे किचन में। तो यहाँ पर ले ली थी मैंने, यहाँ पे दूध गरम कर रही थी और इसमें मैं डाल दूँगी 3 चम्मच शक्कर, क्योंकि हमें रबड़ी टाइप बनाना है, इसको थोड़ा थिक बनाना है ताकि हमारे ब्रेड्स में वो अच्छी तरह से घुले। तो यहाँ पे मैंने ली थी मैंगो कस्टर्ड पाउडर, इसमें हम ये यही वाला दूध डाल देंगे और इसको अच्छे से इसका घोल बना लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसको डालते जाएंगे और हमें चलाते ही रहना है, वरना इसके लम्स बन जाएंगे, इसलिए हमें इसे चलाते ही रहना है और अच्छे से साफ़ करके लेना है और इसको चलाते ही रहना है। और इसमें मैं डाल दूँगी इलायची पाउडर और ये मैंने ज़ैफ्रोन का केसर ली थी, हम वो केसर डाल देंगे। मैं ऐसे ही ऊपर से डाल दूँगी क्योंकि ये पूरा नेचुरल है, इसमें कोई कलरफुल नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही डाल दूँगी, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए हमारा पक पक के रबड़ी टाइप बन गया है और अच्छे से उबाल भी आ चुका है, तो हम इसको कर देंगे साइड पे ठंडा होने के लिए, जब तक हम हमारी बना लेंगे चाशनी। तो यहाँ पे ले ली थी मैंने एक बर्तन, उसमें मैं डालूँगी 1 ग्लास जितना पानी और उसमें डालूँगी 3 से 3.5 चम्मच, एक कटोरी भर के शक्कर ले लेंगे हम, वो डाल देंगे हमारे चाशनी के लिए। उसमें एक इलायची ऐसी अक्खी डाल देंगे और उसको अच्छे से पकने देंगे कम से कम 5 से 10 मिनट तक। तो फिर ये देखिए मेरी चाशनी में उबाल आ गया, अब हम इसको कर देंगे साइड पे और फिर हम फ्राई करेंगे हमारे ब्रेड। तो मैं ब्रेड को ना उसके स्लाइस नहीं काटने वाली हूँ, मैं डायरेक्ट उसको फ्राई करने वाली हूँ, क्योंकि जब खाते हैं ना तो ब्रेड क्रंची क्रंची लगता है, इसलिए तो हम हमारे ब्रेड को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। मैं घी में ब्रेड नहीं कर रही हूँ फ्राई, मैं तेल में फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे घी वाले पसंद नहीं है, इसलिए अगर आपको घी में फ्राई करना है तो आप घी में भी फ्राई कर सकते हो, बट मैं तेल में ही फ्राई कर रही हूँ। तो इस तरह से हम सारे हमारे जो ब्रेड है वो फ्राई करके ले लेंगे अच्छी तरह से, ध्यान रखें ज़्यादा जले हुए भी नहीं चाहिए, गोल्डन ब्राउन ही चाहिए हमें। देखिए अभी हमारे हो चुके हैं फ्राई करके, ऐसे ही हम सारे फ्राई कर लेंगे। और ये मैंने एक ऐसा वाला गोल वाला बर्तन लियो, अब हमारे ब्रेड को हम चाशनी में डुबाएंगे अच्छी तरह से, ज़्यादा देर तक नहीं रहना वरना वो पूरा सोख लेगा, डाल के लगेज निकाल लेंगे और देन हम इधर मैं ये बर्तन में सारे डिप करके सब ऐसे सजा दूँगी, फिर ऊपर से हम डालेंगे हमारी जो हमने बनाई है रबड़ी वो डालेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको एडजस्ट कर ली हूँ, अब मैं इसमें डालूँगी हमारी जो कस्टर्ड वाली जो मैंने रबड़ी बनाई है वो डाल देंगे अच्छी तरह से, पूरा पूरा डिप होना चाहिए वरना वो ऐसे ही रहेंगे। और ये मैंने ड्राई फ्रूट डाली थी, काजू बादाम और थोड़े पिस्ता वगैरह डाल दी थी, इसको डाल के हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी मेरे चिकन जो बोली थी ना मैंने CTTS वाले जो रोल है वो, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच मैंने यहाँ पे बटर डाली हूँ, जैसे आधा आधा जैसा डाली होंगी। और इसमें मैं डालूँगी बारीक बारीक चॉप करा हुआ कांदा और शिमला मिर्च और अब हम इसको थोड़ा सॉटे कर लेंगे। तो पहले मैं ये कर ले रही हूँ, फिर अब मैं इसमें डालूँगी शिमला मिर्च
उसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप करके डाल दी हूँ। ज़्यादा बड़े भी नहीं रखने, ज़्यादा छोटे भी नहीं, मीडियम साइज़ के ही रखने हैं। उसको भी हम थोड़ा शैलो फ्राई कर लेंगे। इसमें ज़्यादा अपने को समय नहीं लगता है, बहुत फटाफट बन जाते हैं। और मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो अपने हिसाब से, मैंने अपने हिसाब से डाला है। और अब मैं इसमें डालूँगी 2.5 चम्मच मैदा। आप अगर 500 ग्राम चिकन ले रहे हैं तो आप 3 चम्मच डालना, आप अगर 200 ग्राम या 250 ग्राम ले रहे हैं तो आप 2.5 चम्मच ही डाल सकते हो। और इसको डाल के हम अच्छे से इसको मैदे को अच्छे से भून लेंगे। फास्ट पे नहीं रखना है, हमें फ्लेम को स्लो पे ही रखना है, वरना आपके मैदा जल भी सकते हैं। और इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से और 5 मिनट तक भुनेंगे। और मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन स्टॉक, जो हमने चिकन उबाला होगा ना अदरक लहसुन और काली मिर्ची डाल के, उसका पानी, थोड़ा पानी ज़्यादा रख लेना उसमें और इसमें डाल देना। और इस मोमेंट पे हमें अच्छी तरह से इसको फेंटना है। याद रखना हमें बहुत चलाना है इसको, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। और मैं इसमें डालूँगी अब दूध। दूध में 1 कटोरी जैसा डालूँगी। तो इसमें दूध डाल रही हूँ मैं 1 कटोरी जितना। आप मलाई भी डाल सकते हो, दूध मलाई बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर बनाना। और इस मोमेंट पे भी आपको अच्छी तरह से इसको फेंटना है, मतलब अच्छी तरह से चलाना है जब तक वो सूख नहीं जाता। और वो उसमें मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स और ओरेगानो। और मैंने उसको ठंडा होने के बाद उसमें चिकन डाल दी थी और थोड़े से कोथमीज डाली थी, और ऊपर से और मैंने ओरेगानो डाली थी। और उसको मिक्स करके मैंने उसके रोल बन, उसमें मैंने मोज़रेला चीज़ और चीज़ क्यूब घस के डाल दी थी। और उसके मैंने अच्छे से रोल बना के अंडे में डिप करके और ब्रेड क्रम्स में डाली थी। तो आप मेरी बात को अच्छे से ध्यान में रखना, मैंने वो वाली क्लिप नहीं डाली हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो रहा था इसके लिए। और फिर देख सकते हो आप, इस तरह मैंने रोल बना लिया अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में, और ये मैंने फ्राई कर ली हूँ। बहुत टेस्टी लग रहे थे फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम इफ्तारी के लिए बैठ चुके थे, मैं सब फटाफट और ये दुआ पढ़ रहे थे। मुझे लग बहुत ही टेस्टी बना रहे थे। चीज़ है ना, चीज़ जो मोज़रेला चीज़ मैंने इसमें ऐड कर दी, उसका बहुत बहुत ज़्यादा फ्लेवर हो गया। हम मेरे को फिनिश कर रही हूँ और मैं 7 बजे खाने वाली हूँ ब्रेड का हलवा, जो कि वो भी बहुत मसाला से बहुत टेस्टी बना हुआ है। तो जैसे मैंने बनाई थी ना, जैसे मैंने बताई थी ना आपको, एकदम सिंपल और इजी तरीके से आप लोग वैसा ही बनाना, बहुत इजी बनता है, झटपट बनता है। ज़रूर बनाना और ज़रूर बताना था मैं इसके लिए कैसे बनाया। मैं आपको ब्रेड का हलवा बता के दिखाती हूँ। बोल रहे थे कि ब्रेड का हलवा बहुत ज़्यादा क्रंचीनेस हुआ है, क्रंचीनेस। तो जब हम खा के देखते हैं कैसे होना है। ऐसा नहीं कि मैं नाटक कर रही हूँ, सच्ची में इतना टेस्टी है। मैं तो बोली इतना इतना की खा रही है, ऐसा कुछ नहीं, स्टाइल मार रही है, नहीं सच में बहुत टेस्टी है। जब आप बनाओगे ना तब आपको पता चलेगा। इसको शायद बोलते हैं डबल का मीठा भी बोलते हैं, ब्रेड का हलवा भी बोलते हैं और क्रंच हलवा। तो आप
लोग ज़रूर बनाना। और अगर मेरे वीडियो वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रूट्स की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन दबा दीजिए। आने वाली मेरी हर वीडियो आपको नज़र आ जाएगी। सब कुछ आपको करना, आप जिसे पसंद करते हो उसे भी, जिसे पसंद नहीं करते हो उसे। अल्लाह हाफिज़।